क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जिले में QI हुआ 400 के पार, जहरीली हवा के बीच जीने को मजबूर हो रहे लोग। दहेज में साइकिल ना मिलने पर किया पत्नी की हत्या, पति समेत सास ससुर को 7 साल की सजा। मुस्लिम युवती ने की हिंदू रीति रिवाज से शादी, युवक युवती की बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग अलर्ट, प्रशिक्षण के साथ लाइसेंस का हुआ वितरण। पुलिस महानिरीक्षक ने किया रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां प्रदूषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यहां पर पिछले 20 दिनों से लोग जहरीली हवा के बीच जीने पर मजबूर हो रहे हैं। AQI 400 से पार बना हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। बता दें, खेतों में पराली एवं खुले में कूड़े भी जलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। को लेकर के हम सभी नगरवासी परेशान हैं। पूरे जिला का स्तर, जिले में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ वाटर जो रिसोर्सेज हैं उनको पॉल्यूट किया जा रहा है। जो एयर है, यहाँ हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है, नरकटियागंज का जो चीनी मिल है, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इवन हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं या फिर हम लोग कभी बाइक से जा रहे होते हैं तो हम लोग की आँख में बगास के जो छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आके लगते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो लगता नहीं है कि हम लोग सुबह का टहल रहे हैं, और आँख में लालीपन, धुआं और गर्दा माटी के चलते आ जा रही है और आँख में लालीपन आ जाता है, और उसके चलते हम लोग मॉर्निंग वॉकिंग करने के बाद भी स्वस्थ महसूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ चीनी मिल है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, मतलब जैसे आपको ईंट फैक्ट्री है, जिसके चलते यहाँ प्रदूषण ज़्यादा फैल रही है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नगर परिषद रामनगर से जारी सब्जी विक्रेताओं के अतिक्रमण को खत्म करने की मुहिम लगातार जारी है और उनको डाक बंगला परिसर में जगह देने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बता दें, इसी समस्या का निस्तारण के लिए स्थानीय विधायकों ने सोमवार को पदाधिकारियों की उपस्थिति में नगर के छठिया घाट के पास दुकानदारों के साथ बैठक किया। बेतिया के बहुअरवा NH 727 पर तेज रफ्तार बाइक ने गन्ना से लदे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेतिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां जिला कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में पति सहित सास ससुर को 7 वर्ष की सजा सुनाई। बता दें, दहेज में साइकिल और 10,000 रुपए को लेकर परिजनों ने विवाहिता की हत्या कर दी, जिसके बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अमित कुमार दीक्षित ने आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा और सास ससुर को 7 साल की सजा सुनाई है। उसकी हत्या कर दिए, दहेज में साइकिल और 10,000 रुपये की मांग करते थे। सूचना मिलने पर जब फरमान मियाँ गए तो उसके शव को वे लोग दफना दिए थे। इसी के लिए कांड प्रतिवेदित हुआ था। इसमें माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम श्री अमित कुमार दीक्षित साहब के न्यायालय से इस मोहम्मद मियाँ जो पति हैं और अलीशेर मियाँ ससुर हैं, सलमा खातून सास हैं, इन लोगों को
304 बी, 498 ए, 201 भादवी के अंतर्गत सजा। भागलपुर में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक के साथ मीनाक्षी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की है। भारी पुलिस सुरक्षा बल और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। युवती के परिजन शादी से नाखुश, जिसके कारण पुलिस अधिकारियों ने युवक युवती की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया है। क्या नाम है आप दोनों का? राम कुमार। आपका? मुस्कान खातर। कहाँ से आए हैं आप लोग? फॉर्म झारखंड। और आप? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, मेरमो थाना पड़ता है। दोनों का? जी नहीं, इसका थाना पड़ता है। अच्छा, आप लोग शादी करने के लिए निकले हुए हैं, तो क्या आप दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं जी? या फिर लड़का के दबाव में आकर आप शादी कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। तो इसके शादी करने के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? ये प्रोसेस तो अभी तक जारी नहीं किया कि मैंने कहाँ जाना है, वो तय करेंगे हम बाद में, डिसाइड नहीं लिए कहाँ जाना है। खबर बक्सर से है, जहां बाजारों में खाद सामग्री और गुणवत्ता में कमी को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी उद्यमी सेवा संस्थान की टीम अलर्ट हो गई और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शहर के रामलीला मंच पर कई खाद सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें दुकानों का फूड सेफ्टी का लाइसेंस भी वितरण किया। बताते चलें कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बक्सर के अपर SDM ने भी हिस्सा लिया और फूड सेफ्टी के विषय में भी परिचर्चा की। वहीं इस कार्यक्रम में बक्सर जिला कोऑर्डिनेटर के साथ बिहार कोऑर्डिनेटर भी मौजूद रहे। उनको ट्रेनिंग दिलवाना, उनसे अच्छा प्रोडक्ट, मतलब जो हम खाते पीते हैं खाद्य पदार्थ सामान, वो अच्छे से बने और बिके, इसके लिए जागरूकता फैलाना। तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, हमने भी देखा है, बहुत जगह जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए, लेकिन नोटिस किया हमने कि नीचे में पूरा फर्श गंदा होता है और उसी पर सामान रखा हुआ रहता है, जैसे तैसे बर्तन में बस संभाल के बना दिए। तो ये सब चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ मानव के लिए है, खाने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मधुबनी से है, जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसे लेकर गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव तरवा निवासी सुनील कुमार गुरु बिहार की यात्रा पर हैं। बता दें, यात्रा बिहार के सभी जिलों में चलेगी और सुनील कुमार गुरु ने इस यात्रा की शुरुआत अकेले की है। हालांकि ये यात्रा कई सालों से चल रही थी, पर कोरोना के चलते यह अभियान धीमा पड़ गया था। सुनील जी का मिशन देखकर बहुत अच्छा लगा, इस प्रकार के मिशन कुछ लोगों में आ जाए तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी।
बिहार के विशेष राज्य की दर्जा के लिए हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत बार प्रयास किए लेकिन हो नहीं पाया। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह बिहार में कायम हो जाएगा और बिहार से गेहूँ का पलायन जो बाहर हो जाता है वह नहीं होगा और बिहार की मजबूती बढ़ेगी। कि बिहार की जनता की जरूरत है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, जिसे बिहार की जनता 2024 के लोकसभा के चुनाव में लेके रहेगी। दोस्तों, तकरीबन आज़ादी के बाद गुजरात और मुंबई जैसे संपन्न राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है तो बिहार को क्यों नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पांडव हमसे जुड़ेंगे। पांडव, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसको लेकर सुनील कुमार गुरु ने यात्रा निकाली है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, विशेष राज्य को दर्जा को लेकर के सुनील कुमार गुरु गया जिला के बजरंगी थाना क्षेत्र के करवा गांव निवासी हैं और ये बिहार के यात्रा पर, उनका यह यात्रा बिहार के सभी जिलों में चलेगा। बताते चले कि उनका यात्रा अकेले शुरुआत की है, यात्रा के दौरान विशेष राज्य का दर्जा मिलो इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और हर जिला जाकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। जी, धन्यवाद पांडव तमाम जानकारियों के लिए। खबर मधुबनी से है, जहां पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस महानिरीक्षक ने जयनगर दरभंगा रेल खंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को लेकर स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान आईजी ने बताया कि जयनगर सीमावर्ती रेलवे स्टेशन है और आरपीएफ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के साथ रेल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। बता दें, इस मौके पर आरपीएफ कमांडेंट और इंस्पेक्टर के साथ कई लोग मौजूद रहे। एरिया वाइज बहुत बड़ा है, उसी सब में हमारा स्ट्रेंथ जो है थोड़ा कमी है, तो वो कमी को टेक्नोलॉजी से हम दूर कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये भी प्लानिंग में है कि हम लोग ड्रोन कैमरा लें, तो ड्रोन कैमरा से हम एरियल सर्विलेंस करेंगे और जैसे मैंने बोला कि जहाँ मैन पावर कमी है वहाँ यू शुड हैव अ थर्ड आई, मतलब वो जो सीसीटीवी कैमरा, अब जो तीसरा आंक जिसको बोलते हैं, जी जी जी, तो वो हम अभी थोड़ी समय पहले वही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि हम कुछ और एक्स्ट्रा जहाँ पे अभी सीसीटीवी कवरेज नहीं है, तो जो डार्क जोन है तो वहाँ पे भी हम सीसीटीवी लगा। खबर मोतिहारी से है, जहां जिले में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और अपराधियों ने सीएसपी से लूट की है और हथियार के बल पर 2.5 लाख रुपए की लूट की है। बता दें, घटना के बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें, ये सारा मामला घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के सेखौना गांव का है। खबर नालंदा से है, जहां पिता की पुण्यतिथि के मौके पर बेटे ने नर्तकी का नाच कराया और चंद घंटों के बाद लोगों ने स्वर्गीय बोधि यादव की आत्मा की शांति के लिए रात भर नर्तकियों का नाच करवाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया। अब सवाल यह उठता है कि इस नाच कार्यक्रम को लेकर थाना से परमिशन ली गई थी या नहीं, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। और अजय यादव जी ने, जो उनके पुत्र हैं, जो आज उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, जो महफिल सजाई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ अपने पिता के मूर्ति अनावरण का, तो मूर्ति अनावरण का जब कार्यक्रम को अपने पिता की मूर्ति का स्थापना जब कोई पुत्र करता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो व्यक्ति
मृतात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, उनके अच्छे कर्म होते हैं पूर्व जन्मों के। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, पिता की पुण्यतिथि के मौके पर बेटे ने नर्तकी का डांस करवाया है, अब क्या कुछ पूरा मामला है? मामला मैडम, इस साल भर इनके पिता का मृत्यु का डांस हुआ था, उसके पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण किया गया था और उसी कार्यक्रम के दौरान नर्तकियों का नाच करवाया गया। धन्यवाद वीरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। खबर नवादा से है, जहां रजौली अनुमंडल अस्पताल में एक प्रसूति महिला की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर बवाल काटा। वहीं इस मामले को लेकर सिविल सर्जन ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। मुझे पता चला है कि डॉक्टर अर्जुन चौधरी शाम 6 बजे ड्यूटी से गायब हो गए थे, जिसके बाद 8 बजे दूसरे डॉक्टर को नियुक्त किया गया था और साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चा यहाँ भर्ती किए हैं, अब भर्ती करके उसको मनो दुख चालू होने लगा। चालू हुआ बच्चा, हुआ 1 बजे में बच्चा जब चालू हुआ सब ठीक था। उसके बाद में बच्चा होने के बाद में फिर भी 8 बजे रात में हम लोग दूध एजा से पहुँचा के घर गए कि आ रहे थे, और फिर ही सब निगरानी छोड़ दिए, कोई दवा दारू नहीं किया, नहीं किया हम सो नहीं बर्दाश्त होगा, बाहर कीजिए ले जाइए, सो भी ऑर्डर नहीं दिया सर। आया फिर बारे में मैंने गिया, देखल तो बल नहीं है अभी डॉक्टर साहब, तो फिर खोज के तो फिर भी गया, तो फिर आया डॉक्टर साहब। अच्छा, सेकंड टाइम में फिर आप लोग खोजने गए तब आए, है ना? हाँ। जैसे हमें पता चला तो हमने उसका छानबीन किया, तो रियल में डॉक्टर उस समय 6 बजे निकल गए थे, और पेशेंट डिलीवरी के बाद हमारे लिए खेद जनक है कि बेचारी का डेथ हो गया। तो 8 बजे जो डॉक्टर आए राघवेंद्र भारती, उन्होंने डिक्लेयर किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतास से है, जहां रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर AK N तिवारी ने इसके लिए नोटिस निकालकर अस्पताल में लगा दिया है। इसके बाद अब अस्पताल के अंदर पत्रकारों के प्रवेश नहीं मिलेगा। सुविधा का या अस्पताल प्रशासन की भरमसाहत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है।
और अस्पताल को बदनाम करने की कुछ पत्रकार हैं जो सूचना मिली है, एक ही न्यूज़ को एक ही मरीज को तोड़ मरोड़ कर 5 दिन केस करते हैं और अस्पताल की छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सिविल सर्जन महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि आपको जो न्यूज़ बनाना है बाहर से बनाइए, भीतर जाकर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते। सिविल सर्जन ने नोटिस जारी कर आदेश दिया है, अस्पताल में पत्रकारों के रोक लगा दी गई है। वैशाली के हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच 22 पर पेट्रोलियम टैंक में बिल्डिंग के दौरान तेज धमाका हो गया। इस हादसे में बिल्डिंग दुकानदार, टैंकर चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। तेज धमाके के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत कार बचाव जारी किया है। पूर्वी चंपारण के चकिया में सहायक रसायन निर्देशक अमितेश कुमार और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध निर्मित खाद और कच्चा माल बरामद किया। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, तो वहीं फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालक पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसके बाद में तीनों पिस्टल लिया था, उसके बाद तान दिया है हमारे ऊपर और उस सबको साइड कर दिया है। पैसा रखा था और उसे कितना पैसा था? 2,44,500। और पैसा के अलावा और कुछ ले गया है? मोबाइल ले गया है 200। अच्छा, क्या कुछ बोल रहा था लूट जब आपके पास आया तो? आया था, बोल रहा था, एक आदमी बोल रहा था कि मार दो, एक आदमी बोल रहा था कि यहाँ पे गुप्त तरीके से इलीगल तरीके से खाद बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है, और जैसे सुबह हमें सूचना मिलती है तो हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद देखे तो पता चला कि बहुत सारा खाली रैपर अलग अलग ब्रांड के खाद का और कुछ रॉ मटेरियल है वो पकड़ा गया है। जो मुख्य जो व्यक्ति थे वो भाग चुके हैं और उनके कुछ जो काम करने वाले मजदूर लेबर लोग थे वो यहाँ पे हैं और सारा सामान जब्त किया जा रहा है। फिर सूची उसकी तैयार की जाएगी और हम लोग पुलिस के हवाले कर देंगे। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर।
ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूं मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका,